हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई केयर बाय डॉक्टर राकेश जोशी चैनल आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस या जिसे हिंदी में रतौंदी भी कहते हैं ये वो डिज़ीज़ है जिसमें आ, किसी भी पर्सन को दिन के टाइम तो ठीक ठाक दिखाई देता है लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है शाम का टाइम या रात का टाइम होता है या इंडोर अगर लाइट कम हो तो फिर उन्हें देखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अब ये नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंदी जो है कई कारणों से हमें हो सकती है जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस जो है सबसे पहला तो है विटामिन ए डेफिशिएंसी और ये भी खास तौर पे छोटे बच्चों में जिनमें डाइटरी डेफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन ए डेफिशिएंसी भी होती है तो उनको ये होने के चांसेस बहुत रहते हैं इसके अलावा कैटरेक्ट में डोमा में इसके अलावा रेटना की डिजीजेस जिनमें रेटना में पाए जाने वाले रॉड्स में प्रॉब्लम होती है जो कि हमें डिम लाइट देखने में मदद करते हैं तो ऐसी डिजीजेस में आ, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं इसके अलावा हाई मायोपिया और डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रिट्टोपैथी हो जाती है उन पेशेंट्स में भी फिर नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस में आमतौर पे तो सिम्टम ही इतना स्ट्रांग होता है कि हमें पता चल जाता है कि इन्हें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है फिर भी नाइट ब्लाइंडनेस के रीज़न को पता करने के लिए कुछ टेस्ट करने ज़रूरी हैं जिनमें सबसे पहले होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ थैलमोस्कोपी, जिसमें कि हम रेटना की जांच करते हैं और देखते हैं कि कहीं कुछ टिपिकल रेटनल चेंजेस तो नहीं दिख रही हैं जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस एसोसिएट हो सके उसके बाद ओ सी टी ऑक्युलर कोयरेंस टोमोग्राफी और ई ये दो टेस्ट करने से भी हम डायग्नोसिस में उस डिजीज तक पहुंच सकते हैं जो कि कारण है नाइट ब्लाइंडनेस का इन टेस्ट के होने के बाद फिर उस स्पेसिफिक डिजीज को टारगेट किया जाता है जैसे कि यदि हम उनका ब्लड टेस्ट कराएं और उसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी दिखाई दे तो फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसी डिजीज का होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी का तो बच्चों में क्योंकि सबसे कॉमन रीज़न विटामिन ए डेफिशिएंसी ही रहती है और उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत ही क्लियर होती है बच्चे के स्क्लेरा जो कि हमारी आई का वाइट पार्ट है उस पर स्पॉट्स दिखते हैं जो कि बहुत ही ग्लिसनिंग स्पॉट्स होते हैं जिन्हें बिटॉट स्पॉट कहते हैं तो और उनके ब्लड में अगर विटामिन ए की डिफिशियसी आए तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है उन बच्चों को टैबलेट या इंजेक्शन की फॉर्म में विटामिन ए दिया जाता है और कुछ डाइटरी चेंजेस भी की जाती हैं जैसे उनके खाने में गाजर का मिल्क और एग्स या पालक इस तरह की चीज़ें जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो ऐड करने से वो ठीक हो जाते हैं अब यदि नाइट ब्लाइंडनेस के रीज़न में कैटरेक्ट कारण बन रहा है तो ऑफकोर्स कैटरेक्ट की सर्जरी होने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ग्लूकोमा पेशेंट्स में ये ज़रूर रहता है कि अगर इन्हें नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है तो हम जितनी नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है उसे तो ज़्यादा ठीक नहीं कर पाते हैं लेकिन आगे चल के ग्लूकोमा को अच्छे से कंट्रोल करके आ, कम से कम नाइट ब्लाइंडनेस बढ़ने के प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं इसी तरह डायबिटिक रेट्नोपैथी अगर रीज़न है नाइट ब्लाइंडनेस का तो डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल करके और डायबिटिक रेट्नोपैथी की प्रोग्रेशन रोक के हम नाइट ब्लाइंडनेस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं उसे ठीक नहीं कर सकते हाई मायापिया के लोग यदि अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस जिनमें एंटीग्लेयर कोटिंग भी हुई हो ये पहनते हैं तो उन्हें फिर कम दिक्कत होती है नाइट टाइम में अब यदि किसी पेशेंट में नाइट ब्लाइंडनेस का रीज़न रेटनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोज किया जाता है तो फिर उसके लिए उसी तरह की ट्रीटमेंट उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में ही पेशेंट की नाइट ब्लाइंडनेस को किसी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें आजकल कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी जिसमें कि जीन थेरेपी जिसमें कि आई में जीन इंजेक्ट की जाती है और फिर एक ग्लासेस की मदद से पेशेंट काफ़ी बेहतर देख पाते हैं अंधेरे में भी या सेल थेरेपी जिसमें प्रोजेनिटर सेल्स या स्टेम सेल्स ऑफ रेटिना इंजेक्ट किए जाते हैं विट्रियस में और फिर वो कुछ प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिससे कि रेटना के रॉड्स स्टिमुलेट होते हैं और पेशेंट थोड़ा बेहतर देख पाता है डिम लाइट में भी इसके अलावा आजकल बायोनिक आई भी अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टेज से निकल के ट्रायल स्टेज और पेशेंट के इस्तेमाल करने लायक बन गई हैं हालांकि इनमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी बाकी है इसमें एक कंप्यूटर चिप आई में इम्प्लांट किया जाता है और पेशेंट एक ऐसे ग्लासेस की मदद में से जिसमें कि कैमरा लगा होता है कुछ आकृतियाँ ठीक प्रकार से देख पाता है कम रोशनी में भी सो so, फ्रेंड्स uh, uh, अगर किसी भी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो सबसे पहले हमें उसका डायग्नोसिस कराना है रीज़न पता करना है नाइट ब्लाइंडनेस तो एक सिम्टम है कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों के स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट से ही ये नाइट ब्लाइंडनेस ठीक होने वाली है आमतौर पे देखा गया है कि बच्चों में तो वाइटामिन ए डेफिशिएंसी मेन रीज़न रहता है नाइट ब्लाइंडनेस का उनमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा विटामिन ए अपनी तरफ से ही हाई डोजेस देना शुरू कर देते हैं जबकि बहुत हाई डोज अनकंट्रोल्ड वे में इस तरह से मेडिकेशन देने से विटामिनोसिस ए यानी कि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है और लिवर को डैमेज होने के चांस रहते हैं इसके अलावा हाई डोज ऑफ विटामिन ए जो कि लोग अपने आप ही यूज़ करते हैं या पहले ज़माने में तो रिकमेंडेड भी थी मेडिकली उससे आ, कार्सिनोमा लंग तक होने की संभावना रहती है सो सेल्फ मेडिकेशन से बचें और ना ही ऐसे ही बच्चे को सिर्फ गाजरें खिलाना शुरू कर दें कि इससे ये ठीक हो जाएगा पहले डायग्नोसिस के रीजन पता करें और फिर डॉक्टर जैसा कहें उसी मेथड को अपना के नाइट ब्लाइंडनेस से जिस हद तक भी पॉसिबल है छुटकारा पाएं सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही होगी वील कीप मेकिंग सच वीडियोज इन फ्यूचर ऑल्सो बिकॉज आई केयर फॉर योर आइज थैंक यू